अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका अपने मैजिक गार्डन लवर चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा वीडियो बुगनविला पे है कि इसकी केयर कैसे करते हैं और इसको कैसे ग्रो किया जाता है। ये मेरा एक वेरीगेटेड बुगनविला का प्लांट है और इसमें डबल शेड फ्लावर आते हैं, वाइट और पिंक। तो इसकी ज़्यादा केयर नहीं है, ये बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये देखें मेरे बुगनविला पर कितने फ्लावर्स आए हैं और मैंने इसको कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज नहीं दिया। अगर आप भी इस प्लांट से फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं तो इस प्लांट को पानी कम से कम दें और इसको ट्रॉपिकल एरिया प्रोवाइड करें। ट्रॉपिकल एरिया ऐसा जैसे किसी दरख्त के साए में तो या फिर किसी दीवार के साथ रखें, जहाँ इसको 3 से 4 घंटे की धूप लगे और बाद में साए की हीट मिले, मतलब गर्मी मिले, तो ये फ्लावरिंग ज़्यादा देता है। तो व्यूज़ देखें, मैंने इसको 12 इंच के पॉट में ग्रो किया और बुगनविला दो किस्म के प्लांट होते हैं, एक चाइनीज़ बुगनविला भी होती है और एक वेरीगेटेड ये वैरायटी और एक सिंपल वैरायटी, और इसमें कई कलर आते हैं, येलो, वाइट, पिंक, रेड। तो आप भी अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस प्लांट को पानी कम से कम दें। आप गौर से देखें इस प्लांट को फूल कितने गुच्छों की सूरत में लगते हैं और कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। केयर के बारे में आपको पता चल गया होगा इसकी ज़्यादा केयर नहीं है। तो चलें इसको इस पर बात करते हैं कि इसको ग्रो कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग लेके उसको नॉर्मल बालू मिट्टी में लगा दें और शेडी एरिया में रख दें तो इसकी ग्रोथ आसानी से हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपने आज इस प्लांट के बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।